हेलो एवरीवन, वेलकम टू प्री मार्केट एनालिसिस वीडियो। तो चलिए देख लेते हैं मार्केट आज कैसे वर्क कर सकता है, ओवरनाइट सेंटीमेंट्स क्या चेंज हुए। होप्स गाइस अभी आपको दिख रहा होगा एसजीएस निफ्टी 47 पॉइंट अप है, मतलब हमारा मार्केट गैप अप टू साइडवेज ओपन होने वाला है। उसके बाद हम थोड़ी कमोडिटीज़ देख लेते हैं। कमोडिटीज़ आप देख सकते हैं नेगेटिव में है ना, ये ओवरनाइट सेंटीमेंट है पूरा, कमोडिटी नेगेटिव में है, मतलब ये हमारे लिए पॉजिटिव सेंटीमेंट है। उसके बाद हम देख लेते हैं कुछ मेजर इंडेक्सेस है ना, मतलब यूएस के कैसे जो इंडेक्स है वो कैसा हुआ, के डाउ जोन्स, एसएनपी, नैसडैक, ये सब आप देख सकते हैं कि ये सब पॉजिटिव में है ना। डाउ जोन्स भी पॉजिटिव में, एसएनपी भी पॉजिटिव में, और नैसडैक भी पॉजिटिव में, तो ये हमारे लिए एक पॉजिटिव सेंटीमेंट है। उसके बाद हम चलते हैं अपने चार्ट पर। सबसे पहले हम एक बार एक चीज़ मैं आपको बता दूं, इंडिया वेक्स ऊपर है ना, मतलब ये अच्छा टाइम है बाइंग करने के लिए, अभी बाइंग कर सकते हैं है ना। मतलब आज भले ठीठा टिके होगा बट बाइंग A16 पे वेक्स है, तो इसका मतलब यही टाइम होता है कि जब 20 रुपीज़ का प्रीमियम 200 तक चला जाता है ना। बट इसके अगर अपन को पॉजिटिव पॉइंट है तो नेगेटिव भी है कि इससे इसमें डिके भी बहुत फास्ट होता है ना, तो ये चीज़ का ध्यान रखो। अगर मोमेंटम कैप्चर कर ले तो यार सही है। यहाँ पे देख सकते हैं विक्स डाउन जाती जा रही है, 40 पे आ गई, अभी अपन ने देखा था 47 पे थी है ना। और एक बार हम डाउ जोन्स भी देख लेते हैं, डाउ जोन्स ओवरनाइट कैसा वर्क किया है, क्योंकि डाउ जोन्स आप देख सकते हैं पॉजिटिव रहा, इसके टेक्निकल वाइज देख रहे हैं हम, डाउ जोन्स पॉजिटिव में रहा, अपसाइड ज़्यादा है। 200 EMA है ये, जिसपे सपोर्ट देख रही है, 200 EMA पे सपोर्ट लेके फिर ऊपर, फिर 200 EMA पे सपोर्ट लेके फिर ऊपर, ठीक है। तो चलिए एक बार अभी हम देख लेते हैं निफ्टी बैंक निफ्टी हमारे कैसे वर्क कर सकते हैं। अभी आपको दिख रहा होगा यहाँ पे बैंक, यहाँ पे मेरे पास निफ्टी 50 ओपन है, ये मेरा एक सेटअप लगा हुआ है ना, इसने कल ही ब्रेक कर दिया था यहाँ पे 50 EMA को, उसने ब्रेक कर दिया था। बट हो सकता है कि अभी अगर मार्केट थोड़ा भी गैप अप ओपन होता है तो ये स्ट्रेटेजी लग जाएगी, ओके। और फिर हमारे लिए जो टारगेट बनता है वो अपसाइड का बनता है, अपसाइड का समथिंग बनता है टारगेट, ये यहाँ तक का है 17,150 तक का, 200 EMA। कल का वीडियो आप लोग ने नहीं देखा तो जाके देख लो, मैंने उसमें बता दिया आपको है ना कि 250 EMA कैसे कैसे लगने हैं है ना। सो होप सो क्या सब समझ गए होंगे, अगर अपसाइड में जाना चालू करता है तो हमारे लिए टारगेट यहाँ तक का है 17,150 तक का। सो ये तो था निफ्टी में, क्योंकि मार्केट गैप अप ओपन हो ही रहा है ना, गैप अप एज इस निफ्टी आप जब मार्केट ओपन हो जब तक देखते रहिए है ना, आपको और अच्छे से क्लैरिटी मिल जाएगी। अभी देखते हैं बैंक निफ्टी, बैंक निफ्टी हमारे पास ओपन है, बैंक निफ्टी आपको क्लियर कट दिख रहा होगा, ये डब्ल्यू काइंड ऑफ पैटर्न है ना, और मार्केट गैप अप भी हो रहा है। इसमें हमारे पास ज़्यादा रेंज नहीं है एक्चुअली है ना, मार्केट अगर समझ लो 100 पॉइंट गैप अप ओपन होगा राइट, अभी हम अगर 100 पॉइंट देखेंगे ना तो ये आपने चार्ट में 100 पॉइंट समथिंग आएगा यहाँ पे, जस्ट मिनट, 100 पॉइंट ये यहाँ पे आएगा और 39,500 के आसपास, मान लो 39,500 एक बहुत अच्छी हमारे लिए लेवल है, एक साइकोलॉजिकल लेवल है। अगर इसको ब्रेक कर दिया तो थोड़ा सा टारगेट मिलता है, बट ठीक है एटलीस्ट यहाँ तक मिलता है 200 EMA 39,600 के ऊपर, 650 तक, ठीक है यहाँ तक मान लो, ये प्रीवियस एक प्रीवियस डे के हाई तक मान लो 39,700 तक, ओके। बट सेंटिमेंट्स क्या बोलते हैं, अगर देखो मार्केट तो पॉजिटिव है, कोई डाउट नहीं, सब मार्केट पॉजिटिव में, तो कहीं ना कहीं चांसेस है इसमें अपसाइड जाने की, और कल मैंने बताया भी था कि हैमर बना है, तो ये एक हमको पॉजिटिव सेंटिमेंट है। अगर मार्केट यहाँ पे ओपन होने के बाद नीचे जाने लगता है ना, तो नीचे साइड में भी हमारे लिए टारगेट, मतलब एक टारगेट है रेंज बोल सकते हैं, यहाँ तक की रहेगी 39,370 है ना, और स्ट्रेटजी मेरी ऑलमोस्ट इसमें लग चुकी है, आपको दिख रहा होगा है ना, यहाँ पे इसने क्रॉस कर दिया है, तो अभी हमारे लिए बाइंग का सेंटीमेंट अच्छी तरीके से, अगर नेगेटिव चला गया एनी हाउ तो फिर कोई क्या कर सकते भैया है ना, वो तो मार्केट है, बट हमारे जहाँ तक सेंटीमेंट बता रहा है मार्केट पॉजिटिव जाना चाहिए यार, ऊपर तो जाना चाहिए। सो होप सो गाइस आप समझ गए होंगे, ऐसे इंटरेस्टिंग वीडियोस के लिए सब्सक्राइब चैनल, लाइक द वीडियो। अभी आप समझता हूँ इंटरेस्टिंग वीडियो में देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, वंदे मातरम।